अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दम आलू रेसिपी बताएंगे। दम बहुत सिंपल रेसिपी है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी और बहुत टेस्टी बना था। आइए देखते हैं हम दम आलू बनाने के लिए कैसे बनाते हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हम मार्केट में से छोटे छोटे आलू बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसको मैं कुकर में, देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, खूब अच्छे से इसको धो दिया, क्योंकि नया आलू इसमें मिट्टी लगी रहती है। और थोड़ा नमक डाल के बॉयल कर लेंगे। इसमें देखिए 2 कैप्सिकम है, 2 टोमेटो है, 3-4 प्याज है जिसको छील लिया है। और ये देखिए, ये मेरा चॉपर है, इसमें मैं बहुत आसानी से हर चीज़ें चॉप करती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट चॉपर है, इसमें बहुत अच्छे से सब चॉप हो जाता है, बहुत कम टाइम में बहुत इजीली चॉप होता है। देखिए इसमें मैं प्याज को चॉप्ड कर दूंगी, छोटे छोटे टुकड़े में करके मैंने प्याज को डाल दिया था। अभी आप देखिए प्याज कितने अच्छे से एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट गई है, बहुत अच्छे से चॉप्ड हो गई है। इसको बीच में से ये इसका ब्लेड निकाल लेंगे और आसानी से फिर इसको लगा के इसी में मैं अपने टमाटर को भी चॉप कर देती हूँ। देखिए ऐसा बीच में हम ब्लेड को लगाएंगे और टमाटर भी चॉप कर देंगे, टुकड़ा करके इसमें डाल देंगे और स्मूथली इस धागे को, थ्रेड को खींचेंगे। अगर ज़ोर से खींचेंगे तो शायद वो टूट भी सकता है, लेकिन इसको स्मूथली खींचिए, अच्छे से चॉप्ड करिए। बहुत अच्छी चीज़ है किचन के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है हर किचन टेबल पर यह होना ज़रूरी है। देखिए शिमला मिर्ची को हमने टुकड़े में काट लिया है और प्याज और टमाटर को चॉप्ड किया है। देखिए अब पतीली हमने रख दिया है, अब उस पतीली में हम 2 टेबल स्पून ऑयल हमने डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम थोड़े गर्म मसाले डालेंगे, जो कि कुछ इस तरह है, लाल मिर्ची सूखी है, काली मिर्च है, 1 इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता का 1-1 टुकड़ा है, थोड़ा ज़ीरा है। इसमें अपना चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक थोड़ा चला चला के उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे, यानी पिंक शेड में होने लगे, सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम टमाटर ऐड कर दे रहे हैं। अब टमाटर को भी थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक चॉप्ड हुआ है, फ़ौरन ही वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लाल मिर्ची हमने आधा चम्मच ये लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच है, वो हमने ऐड कर दिया। और सबको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा भून के इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ये भी ऐड किया हमने। अभी नमक इसमें हमने नहीं डाला है, क्योंकि हमने बॉयल करते वक्त आलू में नमक डाला था, इसलिए जब मसाला आलू में डालेंगे उसके बाद हम हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे। इसमें हमें ज़रूरत लगी कि थोड़ा पानी और ऐड कर दें तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको देख के ढक्कन लगा दिया है। 2-2 मिनट में हम खोल खोल के इसको देखते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और उसको चलाते रहेंगे। अब देखिए अच्छे से मसाले को चला देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मसाला हमारा फटाफट तैयार हो जाएगा। अब देखिए करीबन हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हमने ऐड कर दिया है दही, 100 ग्राम से थोड़ा कम दही मैंने डाला है, क्योंकि थोड़ा दही डालेंगे तो उससे मसाला भी अच्छे से हो जाता है, ग्रेवी भी बनती है अच्छी और उसका थिकनेस भी आ जाती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब बनता है दही ऐड करने से। इधर पैन रख देते हैं, उसमें ऑयल डाल देंगे हम अपने पैन में। उसमें अपने शिमला मिर्ची को हमको फ्राई करना है, पहले हम शिमला मिर्ची को फ्राई करेंगे।
और उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद अपने आलूओं को भी फ्राई करेंगे। देखिए शिमला मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी है। फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम अभी लगभग हमारी शिमला मिर्ची भी हो चुकी है, अब इसको निकाल लेते हैं और आलू को डाल देते हैं ऑयल में। और आलू को तलने से पहले हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे उससे छुरी की मदद से मैंने कर दिया था, मतलब कोई भी तीली हो, कोई बारीक लकड़ी हो, कोई भी चीज़ से आप इसको होल कर सकते हैं, इसमें सुराख कर सकते हैं ताकि मसाले का टेस्ट जो है अंदर तक जाए। देखिए हमारे आलू को हमने कितना अच्छे से ब्राउन किया है। और ये दूध है, आधी कटोरी दूध हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है। वो डालते वक्त दिखाना मैं भूल गई हूँ। और हमने शिमला मिर्ची और आलू को भी ऐड करके अच्छे से उसको चला देंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमारा दम आलू दिख रहा है। वाकई जैसा दिख रहा है वैसा ही टेस्टी भी। अभी इसमें थोड़ा पानी इसलिए हमने ऐड किया है ताकि ये थोड़ी देर मसाले में आलू पक जाए खूब अच्छे से, क्योंकि इसके ग्रेवी हमको थिक ही रखना, हमको पानी नहीं डालना है। लेकिन वो थोड़ा पानी इसलिए डाला है ताकि आलू अपने अंदर मसाला को जज्ब कर ले और उसका टेस्ट पूरा आलूओं के अंदर तक हो जाए उसका फ्लेवर। अब देखिए गरम मसाला पाउडर अब हमारा करीबन तैयार है, इसलिए गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिया है। इसको डाल के हम थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत टेस्टी आलू ये हमारा दम आलू तैयार हुआ था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए थोड़ा कोथमीर भी ऐड कर दिया, यानी हरा धनिया, उससे और ज़्यादा उसका फ्लेवर कोथमीर का आएगा तो और अच्छा टेस्टी हमारा दम आलू तैयार होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे खाने में सफ़ेद तिल बहुत अच्छा लगता है। अब वाकई आप भी डाल के बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए बाउल में निकाल कर बाउल में कितना अच्छा लग रहा है। तो देखने में जब अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपने बनाया तो कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।